क्या कभी आपने अपनी यूनिफॉर्म की शक्ति के बारे में सोचा है? जो साहस, जो वीरता आप में इसे पहनने से आ जाती है। जब मुंबई पर हमला हुआ, कामा हॉस्पिटल के कर्मचारी जख्मी हुए लोगों के इलाज के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्हें क्या पता था निशाने पे वो भी थे, पर अब जान पे खेलकर कई घंटे दरवाजे से सटे खड़े रहे ताकि अजमल कसाब और इस्माइल खान गर्भवती महिलाओं के वार्ड में ना घुस पाए। अंजलि कुलते ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सीढ़ियों पे होती गोलीबारी के बीच एक गर्भवती महिला को दूसरे मंजिल तक पहुंचाया। आइए मिलते हैं इन हीरोज को। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई, मिलने का बहुत मन था। कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं आपसे शुरू करती हूँ। 26/11 एक साधारण दिन की तरह रहा होगा, पर उस दिन बाद में जो आतंकवादी हमले हुए उसके बारे में आपको पहले कब पता चला? पेशेंट्स की ओर लेने के लिए जब हम वार्ड में पहुंचे तो पता चला कि आतंकवादी हमला जो है CST स्टेशन में हो रहा है करके, तो उसके लिए इमरजेंसी आपको तैयारी करनी है। तो वो हिसाब से हम लोगों ने इमरजेंसी तैयारी पूरे वार्ड में करके रखी थी। तो फायरिंग वही चालू थी? हाँ, तो वही चालू थी। तो मेरा पेशेंट और हम लोग जब खिड़की से देख रहे थे तो मेजॉरिटी में हम सब लोगों को देख के उन्होंने दो फायर कर दिए। एक फायर में ट्यूबलाइट वगैरह सब तोड़ ही दिए उन्होंने। दूसरी फायर में मेरी एक सर्वेंट थी, मेरे साथ खड़ी थी, तो उससे वो जख्मी हो गई थी और ब्लीडिंग काफ़ी फोर्सली हो रहा था। वो टाइम मेरे वार्ड में 20 प्रेग्नेंट वुमन थी, जो पेशेंट्स है वार्ड में उनके पास तो मुझे जाना ज़रूरी है क्योंकि मैं ये सर्वेंट को नीचे लेके आई। और जैसे ही मैं स्टेयरकेस के लिए ऊपर चढ़ने लगी तो मैंने देखा कि मेन डोर से वो लोग आ रहे थे और उन्होंने मेरे दोनों वॉचमैन को फायर कर दिया था। इसी दरमियान एक पेशेंट को, जो मेरी पेशेंट थी, सीवियर हाइपरटेंशन की पेशेंट थी, उसको लेबर पेन शुरू हो गए। और जब उसको लेबर पेन शुरू हो गए तो फिर मुझे उसको शिफ्ट करना या तो फिर डॉक्टर को बुलाना ज़रूरी था। फिर मैंने पेशेंट को मॉरल सपोर्ट दिया, उसको बोला कि मैं आपको शिफ्ट करती हूँ और आपको कोई गोली ना लगे इसकी जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि मैं आगे रहूँगी, आपको साथ में लेके जाऊँगी। थोड़ी जी, आप इस वक्त कहाँ थे? 9 बजे हमने हमारी ड्यूटी होती है, ड्यूटी पे आ गए हम। उतने में गोली की आवाज़ आ गई फायरिंग की। उतने में वो स्टाफ बोल रहे कुछ तो है, मैं बोला शादी जा रहे, शादी होगी इसलिए पटाखे फूट रहे हैं, उतना टेंशन मत लो कुछ। तो उतने में हम नीचे उतरते उतरते सिस्टर अपने वो पेशेंट को लेके आ रहे थे। बोला क्या हुआ? स्टाफ बोल रहे उनको गोली लगी और कैजुअल्टी लेके गए। बाद में फिर उधर में 2 ही मिनट रुका वहाँ पे, ज़्यादा नहीं, क्यों अभी फायरिंग हो गई है, अपने वार्ड में जाके बताना जरूरी है। बोला जान तो जाने वाली है तो कुछ तो करके जाओ। जो हमारे यहाँ उस दिन डिलीवरी बहुत हो गई थी तो उसके जो ट्रे है तो उसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखते हैं, वो ट्रे हम लोग नीचे करवाए उसने को और वो सामने तप्पी मार के रख दिए उसको। कभी भी कुछ हो गया तो ट्रे पेक के मारने का, कभी आ गया तो एक उनको दिलासा दिला था मैंने। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मतलब ये तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते, ये मैं क्या करूँगी, मैं कभी इमेजिन नहीं कर पाऊँगी। आपकी फैमिली, आपका घर, ये तो ऐसे दिमाग में आता होगा ना? घर से निकलते वक्त तो ख्याल होता ही फैमिली का, जहाँ हम ड्यूटी पे जाते हैं तब तक ख्याल होता है, लेकिन जब ये यूनिफॉर्म डालते हैं तो घर का ख्याल तो नहीं आता है क्योंकि सामने पेशेंट होता है और पहले ड्यूटी हम पहले उसको महत्व ज़्यादा देते हैं। ये एक यूनिफॉर्म की पावर थी कि जो हम लोगों को ये सब करने के लिए मजबूर कर रही थी। जी बिल्कुल। तो आपने उस दिन बहुत लोगों की जानें बचाई और एक ज़िंदगी की शुरुआत भी आपने उस दिन की, तो वो ज़िंदगी, वो लड़की हमारे साथ है। आइए। नमस्ते जुताई। नमस्ते। आओ बैठो। नमस्ते। नमस्ते। पहला तो आपका नाम क्या है? गोली। गोली, आपका नाम गोली क्यों रखा? मम्मी पापा को बोलते हैं कि आप 26/11 में हुए तो इसके लिए आपका नाम गोली रखे। आपने जब इनका नाम गोली रखा तो आपके दिमाग में तब क्या 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 चल रहा था? मैंने इसका नाम गोली इसलिए रखा है कि दुनिया को पता चले कि इसका नाम, मतलब हर कोई जाने, जब टेररिस्ट गोली बरसा रहे थे उसी टाइम इसने जन्म लिया है, इसलिए मैंने इसका नाम गोली रखा है। आप एक दूसरे से मिले हैं पहले? जब 1 साल हो गया
जी 26 तारीख आई है तभी घर पे जाके उनको गिफ्ट देने गया था मैं जी याद के आए थे अंकल आए थे अच्छा इस हादसे की वजह से हमें एक सीख मिलती है हम सिर्फ पेशेंट की केयर किस तरह ले सकते हैं इंजेक्शन मेडिसिन इतने तक ही हमारा नॉलेज है लेकिन इस हादसे से विदाउट वेपन हम क्या कर सकते हैं एक जागरूक नागरिक होने के साथ साथ हमें ये सीखना चाहिए कि हमें मिलजुल के रहना है और ऐसे अगर कोई हादसे होते हैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा होना चाहिए कि ऐसे वक्त हमें क्या करना है शुक्रिया आप सबका शुक्रिया आपने अपनी इतनी पर्सनल कहानियाँ हमसे शेयर की ये बहुत इंस्पिरेशनल कहानियाँ है और आपने जो धैर्य और जो स्ट्रेंथ दिखाई है वो हमें कभी थोड़ी सी आ जाए थैंक यू अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग